हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इन नए प्लांट्स के बारे में बात करूंगी। ये एस्टर्स हैं और एस्टर का मतलब होता है स्टार, और बहुत सारी वैरायटीज़ इसकी अवेलेबल होती हैं। और मैं जब इसे लाई थी तो छोटे छोटे सैपलिंग्स थे, ये नर्सरी से मैं लाई थी इन्हें, और मुझे बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं पता था। तो धीरे धीरे इनमें देखे फ्लावर्स भी आने लगे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं इसके बारे में। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, और जैसे उनके लिए सॉइल प्रिपेयर करती हूं मैं, वैसे ही इसके लिए भी मैंने प्रिपेयर की। एक पार्ट मैंने अपनी गार्डन सॉइल ली, एक पार्ट कंपोस्ट, और एक पार्ट मैंने इसमें सैंड मिला करके वेल ड्रेन्ड सॉइल ले ली। और जितने भी जब हम पॉट में लगाते हैं प्लांट्स, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वेल ड्रेन्ड ही हो उसकी पॉटिंग मिक्स, ताकि हमारे पे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स गले नहीं, उनमें रॉटिंग ना हो। और ये बहुत ही छोटे छोटे से बहुत ही टेंडर प्लांट्स हैं, और मुझे मतलब बहुत ये जो वैरायटी है बहुत ही छोटी वाली है, मेरे ख्याल से ड्वार्फ वैरायटी है। और फिर जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये बहुत सारे वैरायटीज़ में या अवेलेबल है। कुछ पेरिनियल्स भी होते हैं, बट हमारे यहाँ ये पेरिनियल नहीं है, एनुअल प्लांट ही है। तो फिर मैंने ये देखा कि बहुत छोटे ही हैं, इनकी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है, मतलब ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आई। तो मैंने एक प्लांट में, एक पॉट में मैंने तीन प्लांट लगा लिए। और जब मैं लाई थी तो मुझे कलर कॉम्बिनेशन का भी कुछ पता नहीं था कि कौन से कलर में ये आ रहे हैं, लेकिन मेरे सारे प्लांट्स ये वॉयलेट शेड में ही मिले। तो ये ज़्यादातर वाइब्रेंट कलर्स में ही पाए जाते हैं, और पिंक्स, पर्पल, रेड, इस तरह के वाइब्रेंट कलर्स इनके होते हैं एस्टर्स के। बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और ये मिनिएचर वैरायटी है, छोटी वाली वैरायटी है, और छोटे ही प्लांट में देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं इसके बारे में आपके साथ शेयर करूं। और इसके अलावा भी मेरे इसके बहुत सारे प्लांट्स अभी और हैं ग्राउंड में, और उन्हें मैंने शिफ्ट नहीं किया है। छोटे जब सैपलिंग आप कभी भी लाएं नर्सरी से, तो उन्हें डायरेक्ट आप धूप में या ऐसे स्पॉट पर मत रखिए कि उनमें डायरेक्ट सन आए। तो मैं पहले उसे ग्राउंड में एक ऐसे एरिया में लगा लेती हूँ जहाँ पे थोड़ी शेड, सुबह की मॉर्निंग की धूप के बाद थोड़ा शेडी एरिया वो रहता है। जब आपके प्लांट्स थोड़ा एडजस्ट हो जाएं और उनमें मतलब दम आ जाए, जान आ जाए, फिर उन्हें आप पॉट में करके आप इनको सनी स्पॉट पे रखें। तो ये फुल सन का प्लांट है, इसे सनी स्पॉट पे ही रखें। 4 से 6 घंटे की धूप जैसे सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए मस्ट है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। और फर्टिलाइज़र तो सेम वैसा ही मैंने सब में जैसे दिया है इनमें भी दिया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 दिन पे एक बार, और कंपोस्ट महीने में एक बार। अगर मेरा छोटा पॉट है, जैसे मैंने इसे 9 इंच के पॉट में लगाया है, तो इसके लिए सफिशिएंट है, हाफ़ कंपोस्ट मैं डाल देती हूँ, हाफ़ अपनी हैंडफुल, तो उतनी सफिशिएंट है। और इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि फ़र्स्ट टाइम मैंने एस्टर्स ग्रो किए और ये अच्छे से चल रहा है। इसके साथ ही इन प्लांट्स को बहुत टेंडर होते हैं, और तो इनको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा विंडी एरिया में आप नहीं रखें, और जो फेडेड फ्लावर्स हो जाएं उन्हें आप पिंचिंग कर दें, सॉरी पिंचिंग नहीं, डेड हेडिंग उसका वर्ड सही है, तो डेड हेड कर दें उन्हें, वहाँ से कट कर दें, तो फिर और भी फ्लावर्स उसमें निकलेंगे। तो मैंने ये तीन एक में ही लगा रखे हैं, फिर भी मुझे लग रहा है कि पॉट काफ़ी खाली खाली सा हो रहा है, और जबकि इसकी और वैरायटीज़ होती हैं वो काफ़ी बुशी होती हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि ये वाली जो वैरायटी मुझे मिली है ये बहुत ही टेंडर सी और सीधे सीधे लंबी लंबी है, और फ्लावर्स आए हैं, तो इसी तरह की ये वैरायटी है। बेहद ख़ूबसूरत इसके कलर्स हैं, मुझे अच्छा लगा कि इतने प्यारे ये प्लांट्स हैं, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ एस्टर के बारे में भी, जबकि मेरा बहुत ज़्यादा इनके साथ एक्सपीरियंस नहीं रहा। और मैं अगले सीज़न में इनके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँगी, इनको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लगा करके फिर देखती हूँ क्या कैसे इन्हें ग्रो करते हैं। और पहला तो अभी तो मुझे ठीक ही लगा, तीनों सेम फैमिली के ही हैं, आई मीन वैरायटी सेम है इनकी। जब ये खिलते हैं तो पहले लाइट कलर रहते हैं, फिर जब
थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं तो उनका कलर डार्क हो जा रहा है। जैसे इसी प्लांट पे आप देखिए जो खिले हैं साइड बाय साइड वो लाइट कलर लाइट पर्पल हैं, और जब वो थोड़े मैच्योर हो गया है फर्स्ट वाला तो वो डार्क कलर इस तरह से हो जा रहा है। तो जब मुझे लगा था शायद ये पिंक है, बट वो जब पूरा खिला तो वो पर्पल शेड का रहा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। आप भी अपने गार्डन में नए नए एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए प्लांट्स इंक्लूड कीजिए अपने गार्डन में, और उनके साथ जब आप सैपलिंग ला करके लगाते हैं और उनका एक एक दिन का ग्रोथ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उससे। उनकी एक एक ब्रांचेस उनकी एक एक कलियों को देख करके बेहद खुशी मिलती है, और स्ट्रेस बस्टिंग होते हैं। गार्डनिंग एक स्ट्रेस को रिलीव करने का बहुत अच्छा मीडियम है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको हेल्पफुल साबित होंगे। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।